बट बोलते हैं ना सर, भगवान के घर पर देर है बट अंधेर है। एक बार पापा को सडनली एक आर्टिकल मिला न्यूज़पेपर में, जिसमें सर एक एडवर्टाइजमेंट था। पता किसका था? एशिया की फर्स्ट रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा लखनऊ में सर। इस यूनिवर्सिटी की एक खासियत है सर, इस यूनिवर्सिटी में एक ही क्लासरूम में हर टाइप के डिफरेंट लेवल बच्चे प्लस जनरल स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ाई करते। जब हमको ये पता चला कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ आफ्टर ट्वेल्थ में पढ़ाई कर सकते हैं, तो उस दिन मतलब खुशी का हम बता नहीं सकते। जितनी खुशी सर आज है, उतनी ही खुशी उस टाइम पर थी। अब पढ़ाई के लिए कुछ है, लाइफ में एक नई सुबह फिर हुई है, नया कुछ फिर से किया जा सकता है। तो आप वहाँ पढ़ते होंगे? हाँ जी सर, फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया। और सर अच्छी बात ये, वहाँ एडमिशन लेने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस एकदम जा चुका था ना अमेजन लॉस होने के बाद, वहाँ जाके एकदम 100 times बूस्ट हो गया। बिकॉज मैंने चारों सेमेस्टर में फर्स्ट रैंक होल्डर बनी अपनी क्लास में। इवन मुझे उस टाइम पर अपने गवर्नर थे यूपी के राम नायक जी, उनसे सर्टिफिकेट और गिफ्ट भी मिला था, और मैंने मैराथन रेस में मेडल भी लिया था सर। मैराथन रेस? हाँ सर, मैराथन रेस में सर। यही मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला था। हमने जब आपका वीडियो देखा था, हाँ, तो हमने देखा कि आप स्कूल में चल के जा रही हैं। हाँ जी सर। कैसे कर लेती हैं आप? सर बस ये सब समझ लीजिए आप, फीलिंग के हिसाब से होता है। मतलब चीजों को फील कर करके, जैसे अगर हम चलते हैं ना तो कोई पास है।